अगर आपके भी मुंह कम खुलते हैं यानी कि माउथ ओपनिंग कम है, तो मेरे बताए गए इस 3 उपायों को सिर्फ कीजिए, 100% आपका जो मुंह का कम खुलना है वो ठीक हो जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी माउथ ओपनिंग कम है यानी कि मुंह कम खुलते हैं, तो उसे आप घर पे खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ 3 उपाय शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो 100% आपका जो मुंह का कम खुलना है वो ठीक हो जाएगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। पहले हम सुपरफिशियली समझेंगे कि मुंह का कम खुलना होता क्या है, क्यों होता है, एंड देन उसके बाद हम उपायों के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोगों को जल्दी होती है, उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या बताते हैं, डायरेक्ट आप घरेलू उपाय बताइए, हमें नहीं जानना है। पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो घरेलू उपाय बता रहे हैं आपको वो आखिर किन किन चीज़ों के लिए है, क्या क्या सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आप ये घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि किस सिम्टम्स की बात हम कर रहे हैं, किसके लिए घरेलू उपाय बता रहे हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि हमारा जो मुंह का खुलना है वो कम हो रखा है। तो नॉर्मल जो हमारी माउथ की ओपनिंग है वो 4 फिंगर होती है या 3 फिंगर होती है। बहुत सारे लोगों में 4 फिंगर्स जो होते हैं पूरे के पूरे माउथ के अंदर अच्छे से इंसर्ट हो जाते हैं। किसी किसी इंसान में जो नॉर्मल माउथ ओपनिंग होती है वो 3 फिंगर होती है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि हमारे जो माउथ की ओपनिंग है 3 फिंगर है, कहीं हमारा हमें मुंह कम खुलने की प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इससे कम आपकी माउथ ओपनिंग है यानी कि 3 फिंगर जो है प्रॉपर तरीके से आपके माउथ के अंदर नहीं जाती है, उससे कम आपका माउथ ओपनिंग है, तो आपको यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आपको किसी तरह की परेशानी है, इसके लिए आपको अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट हम समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो मेडिकल टर्म में इसे हम OSMF ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ये एक तरह का प्री कैंसरस कंडीशन होता है। कि होता क्यों है, तो 90% जो OSMF जो है मुंह का कम खुलना जो प्रॉब्लम है वो उन लोगों में देखी जाती है जो स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, पान मसाला, बीड़ी, तंबाकू, सुरती ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड 10% बहुत कमी परसेंटेज लोग होते हैं जिनमें अदर फैक्टर की वजह से होता है, जैसे कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल भी होता है। इम्यूनोसप्रेसिव जो पेशेंट होते हैं उनमें ही आपको ये परेशानी देखने को मिल सकती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है तो वैसे पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। अगर आपको वैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप पान मसाला तंबाकू खाते हैं तभी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, अदर फैक्टर्स भी होते हैं। जो लोग इनका सेवन नहीं करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब आप टोबैको च्यूइंग या इस तरह की बैड हैबिट्स आप में होती हैं तो इनमें और निकोटीन प्रेजेंट होता है। तो जो निकोटीन होती है वो जो हमारे बॉडी में जो हमारे अंदर सेल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है निकोटीन का ज़्यादा सेवन करने की वजह से, जिसके कारण जो सेल्स होते हैं वो डेड कर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं एंड बैंड्स बनाने लगते हैं। आप जब अपने चिक को अंदर की तरफ से टच करेंगे तो आपको फील होगा बैंड्स के जैसे, हॉरिजॉन्टल बैंड्स आपको उसमें फील होंगे। जो आपका चिक का पोर्शन था जो गाल होती है अंदर से आपको हार्ड लगेगा, कठोर सा लगता है। एंड आप जब मुंह खोलने की कोशिश करते हैं तो उस कठोर होने की वजह से आपका मुंह अच्छे से नहीं खुलता है। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये प्री कैंसरस कंडीशन होता है। तो अगर आपकी आपको इसकी प्रॉब्लम है, मुंह कम खुलता है, फाइब्रस बैंड बन चुके हैं आपके माउथ में, ऐसे कंडीशन में इसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इतना जल्दी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि ये प्री कैंसरस है तो ये कैंसर में कन्वर्ट होने के इसके चांसेस होते हैं, बट बहुत ज़्यादा हायर रिस्क नहीं होता है। लेकिन ये धीरे धीरे जब आपका जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इसे कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है। तो अगर आप शुरुआती दौर में ही इसका इलाज करा लेते हैं तो आप कैंसर जैसी गंभीर प्रॉब्लम से बच सकते हैं।
सो गाइस, ये तो हम लोगों ने समझ लिया ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में कि मुंह कम खुलना क्या होता है, कैसे होता है, ये जानकारी होनी बहुत ही जरूरी थी। चलिए अब हम घरेलू उपाय के बारे में जान लेते हैं, वो कौन कौन से 3 उपाय है जिसे आप करके घर पे ही बैठे इस प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 जो हमारा उपाय है वो है हैबिट ब्रेक्स। यस, आपकी जो बैड हैबिट है उसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप कितना भी इलाज करवा लीजिए इस प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आप में बैड हैबिट है तो आपको इसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप स्मोकिंग करते हैं, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, कुछ भी खाते पीते हैं, उसे आपको कम्प्लीटली छोड़ देना है। कम्प्लीटली छोड़ने में एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी है, आप तंबाकू, पान मसाला, गुटखा छोड़ते हैं तो उसकी जगह कोई दूसरी अल्टरनेटिव चीज़ें आपको नहीं खानी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्मोकिंग छोड़ा और हम टोबैको यानी कि गुटखा खाने लगे कि चलो धूम्रपान तो छोड़ दिया, आप गुटखा खा लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये भी नहीं करना है कि उसके जगह पर हम किसी चीज़ को ले लें, लौंग खाने लगे, इलायची मुँह में रखने लगे, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यूज़ नहीं करनी है। दूसरे किसी अल्टरनेटिव पे आपको टर्न नहीं करना है, आपको कंप्लीट तरीके से छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। आई नो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं है जितना आसान कह देना है कि आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो लत होती है उसे छोड़ाना बहुत मुश्किल होता है, बट आपको इसे छोड़ना पड़ेगा तभी आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। सो अगर आप नहीं छोड़ पा रहे खुद से तो इसके लिए आप किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर कैसे आप अपनी लत को छुड़ा सकते हैं इस पे ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप वो वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि आप कैसे इस लत को छुड़ा सकते हैं। अगर आप अपने हैबिट्स को ब्रेक कर लेते हैं यानी कि जो तंबाकू, पान मसाला, गुटखा जैसी चीज़ें हैं इसे जब आप खाना छोड़ देंगे तो मैं नहीं, आप मुझे खुद कमेंट कर बताएंगे कि मैंने जब से इस चीज़ को छोड़ा है, अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक किया है, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। मेरे जो माउथ ओपनिंग है उनमें सुधार है, जो बैंड्स थे, जो स्टफनेस थी यानी कि जो कठोरपन था, उनमें बहुत ज़्यादा सुधार है। चलिए अब हम नेक्स्ट यानी कि सेकेंड अपने उपाय के बारे में जान लें। जो मेरा सेकेंड उपाय है वो है एक्सरसाइज। यस, माउथ की भी एक्सरसाइज होती है। अगर आप इसके लिए एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड गाइस, ये जो एक्सरसाइज होती है बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है मुंह कम खुलने की जो प्रॉब्लम होती है उसमें। तो एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। जो जो उसमें शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, जो एक्सरसाइज है आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि हम पहले ही दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें कि हमारे जो माउथ ओपनिंग है एंड जो मसल्स है सब में दर्द होने लगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको पेन महसूस होगा, दर्द महसूस होगा, बट आपको धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज को इंक्रीज करना है, लगातार एक ही दिन में बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। सो गाइस, ये जो एक्सरसाइज होती है किसी मिरेकल्स यानी कि चमत्कार से कम नहीं होती है। अगर आपको मुंह कम खुलने की परेशानी है एंड आप एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। ये जो एक्सरसाइज है गाइस वैसे लोग भी कर सकते हैं जिनकी माउथ ओपनिंग बहुत कम है, 1 फिंगर है, बिल्कुल भी आप वो अपने मुँह को नहीं खोल सकते हैं। बट ये जो प्रोसेस है इसमें आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, टाइम टेकिंग है। एक्सरसाइज करने से आपकी माउथ की ओपनिंग जरूर ठीक हो जाती है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। जिनकी माउथ ओपनिंग बहुत ज़्यादा कम है उनमें थोड़ा सा और लंबा समय लगता है, एंड जिनकी माउथ ओपनिंग कम है उनमें एटलीस्ट 3 मंथ्स तो जरूर लग जाती है तो आपको ठीक होने में। लेकिन उससे पहले आपको धीरे धीरे इसका इफेक्ट जो है, रिजल्ट जो है वो देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको एक्सरसाइज को जरूर करना है। अब आप उससे पूछोगे कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है, तो ये ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस के लिए आइसिस्टिक एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम जो स्टिक्स होते हैं बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, पहले हम अपनी नॉर्मल माउथ ओपनिंग जितनी अब फिलहाल प्रेजेंट में आपकी है उसके अकॉर्डिंग उसमें आइस स्टिक को डालते हैं, एंड धीरे धीरे जो नंबर्स होते हैं जैसे कि शुरुआत हमने 10 से की है, 10 स्टिक हम अपने माउथ में 5 मिनट के लिए होल्ड करेंगे एंड फिर उसमें 1 या 2 स्टिक्स को बढ़ाकर फिर इंसर्ट करेंगे एंड फिर उसे 5 मिनट्स के लिए होल्ड करना है। ऐसे ही आपको डेली स्टिक्स
को पढ़ाना है, यानी कि हमने 10 से शुरुआत किया था और उसे 20 25 तक लेकर जाना है। धीरे धीरे जैसे ही आप स्टिक्स को बढ़ाएंगे वैसे ही आपके जो बैंड्स होते हैं, जो फाइबरस बैंड होते हैं जिसमें कठोरपन आ जाता है स्मोकिंग या तंबाकू चिंग ये सारी चीजें करने की वजह से, वो बैंड्स टूटती हैं एंड आपके जो मसल्स होते हैं, जो म्यूकोजा होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, अच्छे से आपकी माउथ ओपनिंग हो पाती है। एक्सरसाइज होता है कि आप वो बैलून लेकर उसमें हवा भर सकते हैं, उसे ब्लो कर सकते हैं, उसे फुला सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे माउथ में अच्छे से ऑक्सीजन भरता है और जब हम बैलून को फुलाते हैं तो काफ़ी स्ट्रेंथ लगती है, काफ़ी जोर लगता है हमारे गालों पे। तो ऐसे जब आप करेंगे तो माउथ में एक फुलनेस आती है, अच्छे से हवा भरता है, ऑक्सीजन उसमें अच्छे से चारों तरफ आपकी म्यूकोजा में फैलती है, तो इससे भी फाइबरस बैंड टूटते हैं। तो ये दो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगर आप और भी एक्सरसाइज जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो एक्सरसाइज पे आने वाला है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा उपाय है, मेडिसिन। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपको मेडिसिन बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी, ना ही प्रिस्क्राइब करूंगी। आप अपने डॉक्टर के पास अगर जाते हैं, अगर आपको मुंह का फूलने की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं भी आपको मेडिसिन ही बताऊंगी लेकिन उसका जो लेने का जो फॉर्म है वो अलग होगा। समझे नहीं, मैं अभी समझाती हूँ। कैसे जो मेडिसिन होती है वो क्या होती है, जो हमारे हेल्दी डाइट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसी का सब्स्टिट्यूट होता है। लैब में उसे एक गोली के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है और हमें आसान लगता है कि हम एक गोली खाएंगे और जो भी हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट है वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जो गोलियां होती हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मैं यहाँ आपको घर पे ठीक करने के उपाय बता रही हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको मेडिसिन रिकमेंड नहीं करूँगी, बट उसके बदले और उससे अच्छा चीज़ मैं आपको बताऊँगी, नेचुरल तरीका है। आप अपने जो खान पान है, जो आपके डेली की डाइट है, आप उससे रिकवर कर सकते हैं। यस, कैसे रिकवर कर सकते हैं? आपको अपने डाइट में ध्यान देना है कि आपका जो खाना है वो हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो। खाना खाने में सिर्फ ये नहीं होता हम कुछ भी तला भुना खा लें, बाहर की चीज़ें खा लें, चाउमीन खा लें, बर्गर खा रहे हैं, वो हेल्दी नहीं होता है, उससे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स होती है। आपके खाने में फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए। फ्रूट्स में स्पेशली अगर आपको मुंह कम खुलने की प्रॉब्लम है तो सिट्रस फ्रूट्स आप लीजिए, यानी कि खट्टे फल। जो खट्टे फल होते हैं वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो आप सिट्रस फ्रूट का सेवन ज़्यादा करिए। अब डाइट की बात हम करेंगे तो जो नॉर्मल डाइट आप लेते हैं वो तो आपको लेना ही है, साथ में किन किन चीज़ों को स्पेशली आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है, तो प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जनरली अगर ऐसे भी देखा जाए तो हमारे बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है एंड बहुत ज़रूरी होती है। तो प्रोबायोटिक आपको आसानी से आपके घर में दही से मिल सकता है, तो आप दही का सेवन करिए, आपकी प्रोबायोटिक की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट होता है गाइस कि डॉक्टर जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें लाइकोपिन आपको जरूर देते हैं। लाइकोपिन बहुत ज़रूरी होता है फाइब्रस बैंड्स वगैरह को ब्रेक करने के लिए। तो लाइकोपिन हम गोली से नहीं लेंगे, उसके लिए हम अपने डाइट में लाइकोपिन को लेंगे। उसका सबसे बेस्ट जो तरीका है लेने का वो है टमाटर, यानी कि टोमेटो। तो आप टमाटर को अपने डाइट में इंक्लूड करिए, आप सलाद के फॉर्म में खाइए। पके हुए टमाटर को आप स्लाइस में कट कर दीजिए, अच्छे से चबाइए अपने मुंह के अंदर ताकि उसके सारे जो जूस है अच्छे से आपके माउथ में मेल्ट हो एंड उसका बेनिफिट आपके बॉडी को मिले। आप टमाटर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या इंक्लूड कर सकते हैं? नेक्स्ट है कैप्सिकम, यानी कि जो शिमला मिर्च होता है उसमें कैप्सिकिन एक प्रोडक्ट होती है, इसे आप लीजिए। जो आपकी जो म्यूकोजा होती है उसे हील करने में ये हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट है इसकी डॉक्टर इसके साथ आपको मल्टी विटामिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं जिससे आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी है वो ठीक हो जाए। तो उसके लिए आपको अपनी हेल्दी डाइट्स को मेंटेन करना है। आप अच्छे से ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करिए, जो नट्स होते हैं आलमंड्स हैं वॉलनट्स हैं इसमें भर भर के हेल्दी चीज़ें होती हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। आप फ्रेश जो भी सीजनल फ्रूट्स है उसे खाइए, जितने भी सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स जो सब्जियां आ रही हैं आप उसे लीजिए, आपका ये जो प्रॉब्लम है तुरंत ही ठीक हो जाएगा। तो ये थे हमारे 3 घरेलू उपाय जिससे आपका जो मुंह का कम खुलना है अपने घर पे बैठे ही ठीक कर सकते हैं। 100% इससे आपको राहत मिलेगा, आप इस उपाय को अपना कर जरूर देखिए। सो गाइस ये थे आज के वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। यस डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यस एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए।
ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो गाइस, अगर आपके कोई कमेंट्स हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे अपना इलाज भी करवा सकते हैं। सो गाइस, अब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।